आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम क्या है कक्षा बारहवीं की तैयारी कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा की, इसलिए लगातार मैं आपको गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है कक्षा बारहवीं इतिहास विषय हिस्ट्री विषय के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने आपको क्लास 12th के आपको हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ओके तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं, पहले हम क्या है दो अंकी महादुर प्रश्न देखेंगे, फिर तीन अंकीय, फिर चार अंकीय और ओके इस प्रकार से हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपके पेपर में आते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं दो अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरस्थल स्थलों के नाम का उल्लेख आपको बताना है। ओके या उन पुरस्थल स्थलों के आपको नाम बताने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएँ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के की कोई दो विशेषताएँ आपको बतानी है। ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण लिखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस वर्नियर कौन था। ओके ये आपके दो अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। आगे है इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार से किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है उलमा कौन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मात ग्रहता क्या है। ओके तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं दो अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हाँ हम देखेंगे तीन अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके तो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत को एक क्या है गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के कोई तीन आपको दोष बताना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल और जाति में अंतर लिखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके चौथा पांचवा दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके पांचवा क्वेश्चन है त्रिपिटक की तीन विशेषताएं लिखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धर्म की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के किन्हीं तीन उपदेशों के आपको बताने। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे अब चार अंक की महादुर प्रश्न। ओके अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं थी, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही क्या है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके आगे देख लेते हैं। तो आपका चार अंक की पहला क्वेश्चन है अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं तीन समस्याओं का को आपको लिखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। ओके अगर आप क्या है इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या अपनी वेबसाइट www.anuragasadiclasses.com से आप क्या है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके और यहीं पर आपको क्या है नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आप क्या है यहाँ से आपको त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस भी मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के शासन प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का क्या है वर्णन कीजिए। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषता लिखिए, इसके कारण यह जन जिसके कारण क्या है यह जन साधारण में क्या है प्रसारित हो सका। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है मानचित्र से संबंधित रहेगा। ओके तो मानचित्र से संबंधित जो आपके चैप्टर में दिए हैं सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित को है आपको मानचित्र भारत के मानचित्र प्रदर्शित करना है, ये आपको क्या है जगह के नाम दे दिए गए हैं, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दी है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह दी है, इस प्रकार से आपको चार दे दिए जाएंगे। ओके उनका आपको क्या है मानचित्र में आपको स्थान दर्शाने पड़ेंगे। ओके चार नंबर क्वेश्चन रहेगा। ओके तो ये आपने देखा तहत त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके साथ ही क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके और टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।